Hello everyone, welcome to the session today. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. तो जैसे कि हमें काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है और काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके एमकॉम के एग्जाम्स भी आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, तो हमने सोचा कि हम इसमें आपकी हेल्प करते हैं। तो मैं आज लेके आया हूं कि हम जो आपका पूरा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का सिलेबस है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रिवाइज कराने वाले हैं। सो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी ब्रीफली आपको इसके टॉपिक्स रिवाइज कराऊंगा ताकि आप सारा का सारा सिलेबस इस रिविजन वीडियो के थ्रू कवर कर पाए। सो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी पूरी वीडियो को जरूर देखें। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉपिक में किस टाइप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हुए हैं पास्ट इयर्स में और उन्हें हमें कैसे कवर करना है। तो आइए चलते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपको यह पता हो कि गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, गवर्नेंस का मतलब होता है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से मैनेजमेंट एज वेल एज कंट्रोल करते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने से पहले या मैनेज करने से पहले हमें यह पता होने की जरूरत है कि एक मैनेजमेंट या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो सबसे बेसिक टर्म्स में अगर हम समझें तो एक ऑर्गेनाइजेशन वो है जो कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये आती है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है और जो उसमें पैसा लगाया होता है वो शेयर होल्डर्स ने लगाया होता है जो शेयर्स के फॉर्म में किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पैसा लगाते हैं। तो मेजर यहां पे प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली इन्वेस्टेड अमाउंट नहीं कर रखा होता, तो कई बार जो उन्होंने डिसीजन लिए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट को केटर करते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। तो कई बार ऐसा देखा गया है पास में भी कि क्योंकि इस लूपहोल की वजह से, इस ऑर्गेनाइजेशन के इस पर्टिकुलर एजेंसी कंसेप्ट की वजह से कई बार ऐसा होता है कि काफी ज्यादा स्कैम्स और फ्रॉड्स निकल के आते रहते हैं। तो इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक नया कंसेप्ट आया जिसने बहुत ज्यादा चीजों में क्लैरिटी, एथिकल ओरिएंटेशन और अकाउंटेबिलिटी लाने की कोशिश करी है। तो इससे रिलेटेड चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन इज द शेयर होल्डर्स, दैट इज जो शेयर्स के फॉर्म में पैसा लगाते हैं या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड आपके होते हैं डायरेक्टर्स, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, जो आपके मेजर डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे एज एन एजेंट काम करते हैं और उनके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करना चाहिए, किस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, एक्सेट्रा। एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है मैनेजमेंट। कई बार हमारे स्टूडेंट डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं मैनेजमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है जो कुछ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स से बना है जिसमें डायरेक्टर्स भी आते हैं एज वेल एज मैनेजर्स भी आते हैं, एमडी भी आते हैं, सीईओ भी आते हैं, मतलब कि काफी सारे पोजीशंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करी गई हैं जिनकी अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बट उसका पर्पस यही होता है कि आपके डे टू डे एक्टिविटीज को किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो ये सारा का सारा जो टास्क होता है ये ओवरऑल मैनेजमेंट का होता है। तो पहले के सिनेरियो में प्रॉब्लम ये आती थी कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरशिप एज वेल एज मैनेजमेंट के बीच में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग एग्जिस्ट करती थी, जिसके वजह से काफी ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे वो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते थे और कुकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इनसाइडर ट्रेडिंग, इस तरीके की सारी चीजें आने लगती थी। तो हमें यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट्स में काफी ज्यादा क्लैरिटी दे दी गई है विद रिगार्ड टू द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इन सारी चीजों की वजह से काफी ज्यादा जो पहले स्कैम होते थे उनमें काफी ज्यादा कंट्रोल आया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जब हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझ लिया है तो इंपॉर्टेंट ये है समझना कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं या फिर क्या एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। यहाँ पे वही बेसिक बातें हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी है रिगार्डिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, तो उनमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि क्या एडवांटेजेस हैं या फिर क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कमिटमेंट टू वैल्यूज। आपका जो भी वैल्यू सिस्टम है, आपके जो भी मॉरल वैल्यूज हैं, वो काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग में। अगर आपके वैल्यूज बहुत पॉजिटिव है, सोसाइटी की तरफ इंक्लाइन है, तो आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लेते हैं एंड सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट से मूव नहीं होते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है या फिर इंपॉर्टेंट एलिमेंट आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का।
नेक्स्ट है एथिकल बिजनेस कंडक्ट। सो कई बार क्या होता है कि कुछ हमें एथिकल डिलेमास फेस करने पड़ते हैं बिजनेस के ओरिएंटेशन के टाइम पे या फिर बिजनेस में डिसीजन मेकिंग लेते टाइम, जहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट आता है कि क्या आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को केटर करें, दैट इज प्रॉफिट की तरफ जाएं, या फिर आप सोसाइटी के बारे में सोचें। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपने किसी इंफीरियर क्वालिटी का गुड प्रोड्यूस कर दिया है जो आपको प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा देता है बट सोसाइटी के हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल ना हो। तो इन सारी चीजों को हमें एथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंदर देखना पड़ता है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज ऑफ पावर्स इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको बहुत सारी पावर्स दी रहती हैं रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बट यहाँ पे जरूरी ये है कि वो उसको रिस्पॉन्सिबली निभाएं, दैट इज सारे स्टेक होल्डर्स की नीड्स एंड एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के डिसीजन लें एंड सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में ना रखें। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब ब्रीफली एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफर्स टू द डिग्री ऑफ कंट्रोल टू बी एक्सरसाइज बाय की स्टेकहोल्डर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉर्पोरेट ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टेकहोल्डर्स इंटरेस्ट। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि काफी ज्यादा स्टेकहोल्डर्स होते हैं जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए, वो प्रॉफिट्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंप्लॉइज हो गए, वो प्रॉपरली अपनी रेम्यूनरेशन और सैलरीज के लिए जुड़े होते हैं, कस्टमर्स हो गए जो गुड्स एंड सर्विसेज डिराइव करते हैं, सप्लायर्स हो गए जो अपने रॉ मटेरियल्स एज वेल एज अदर इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड गवर्नमेंट हो गया जो लॉज का कंप्लायंस देखता है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि इन सारे स्टेक होल्डर्स की नीड्स को प्रॉपरली सेटिस्फाई किया जाए। मैं आपको यहाँ पे एक बात रिकॉल करा दूं कि क्योंकि ये एक रिवीजन वीडियो है इसलिए इसमें मैं सारी चीजें नहीं आपको बता पाऊंगा, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगा। और साथ साथ अगर आपने हमारी क्रैश कोर्स परचेज किया हुआ है तो आप अपना पीडीएफ साथ में रख के इस पर्टिकुलर रिविजनरी वीडियो को देखें तो आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही कम टाइम में कवर कर पाना। आगे चलते हैं। अब अगर मैं प्राइवेट कंपनीज की बात करूं तो काफी जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स थे या फिर जो पॉलिसीज थी वो प्राइवेट कंपनीज के अंदर एप्लीकेबल नहीं थी, बट अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसेप्ट के आने के बाद से या फिर रेगुलेशंस जो उससे रिलेटेड आई हैं उसके बाद से प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी काफी ज्यादा रेगुलेशंस लगा दी गई हैं विद रिगार्ड टू डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज अदर एस्पेक्ट्स, तो इनको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। तो एक नया कंसेप्ट तो डेवलप हो गया बट क्या वो सच में आपको कुछ एडवांटेजेस देता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एडवांटेज आपको मिलता है वो है इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाब देना, आंसरेबिलिटी भी आप कई बार कह लेते हैं इसे। तो पहले क्या होता था कि जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट की वजह से या फिर आप कह सकते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट की वजह से अगर कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाती है, लूपहोल आ जाता है, स्कैम्स हो जाते हैं तो हम किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पाते थे, बट अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश कर दी है फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी लास्ट में पता चलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट कुक थे या उनमें कुछ भी किसी तरीके की भी मैनिपुलेशन की गई थी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, उनके ऊपर पनिटिव एक्शन भी लिया सकता है और इवन उनको इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। सो इन सारी चीजों के बारे में काफी ज्यादा नए एस्पेक्ट्स आ गए हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अकाउंटेबल बनाते हैं या फिर आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स को अकाउंटेबल बनाते हैं विद रिगार्ड टू ऑल द डिसीजंस दैट दे हैव टेकन। आगे बात करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी। तो जैसे मैंने कहा कि आपने काफी सारे स्कैम्स के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज एनरॉन स्कैम, दैट इज सत्यम स्कैम, इन केसेस में क्या हुआ था कि ये प्रॉपरली चीजों को डिस्क्लोज नहीं करते थे, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस टाइप के ट्रांजेक्शन इंटर हुए, कुछ मिसलेनियस ट्रांजेक्शन हैं कि नहीं, इन सारी चीजों को काफी ज्यादा प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया जाता था, बट अब ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर दी गई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स के अंदर, जहां पे आपको हर एक छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है, कुछ भी आप छुपा नहीं सकते हैं। सो इसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है। सो अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्रिएट हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। आगे चलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर्स एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे एस्टैब्लिश करता है, तो मैं आपको बता दूं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स के अंदर कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस आप कह लीजिए या कोड ऑफ कंडक्ट के फॉर्म में कुछ रेगुलेटरी प्रोविजंस भी आए हैं और कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करी गई हैं जिनको एधर करना या फिर मानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो जब भी आप किसी एथिकल डिलेमा में होते हैं उस टाइम पे आप इस कोड ऑफ कंडक्ट को यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपका ओवरऑल बिजनेस होने वाला है वो काफी ज्यादा एथिकल ओरिएंटेशन की फॉर्म में हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स रिस्क मैनेजमेंट।
अब कई बार पुराने सिचुएशंस में पुराने स्कैम्स के टाइम पे ये सारी बातें सामने आई थी कि जो रिस्क था वो बहुत ज्यादा ले लिया गया था, और इसका रीजन ये होता है स्टूडेंट्स की जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे, तो उनको इस चीज का इंसेंटिव होता है कि अगर वो ज्यादा रिस्क लेते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो उनको भी हायर रेमुनरेशन मिल सकती है। इस सिचुएशन में कई बार वो क्या करते हैं, काफी ज्यादा कैजुअल हो जाते हैं और प्रॉपरली रिस्क को मिटिगेट नहीं करते हैं, रादर अपनी ग्रीड को फॉलो करते हुए काफी ज्यादा रिस्की बिजनेसेस में एंटर कर जाते हैं। सो यहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने अब प्रॉपर नॉर्म्स बता दिए हैं कि आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच या फिर सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो करके फोरकास्टिंग करनी होगी, जहां पे आप हर डिसीजन जो आपने लिया है उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाएंगे कि आप उसके अंदर किस तरीके के आपने मेथड्स यूज किए रिस्क को मिटिगेट करने के लिए या फिर कह सकते हैं रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए। तो ये सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, जिसकी वजह से जो रिस्क मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आप हमारी पीडीएफ में देख सकते हैं अगर आपने परचेस किया हुआ है, तो वो है मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैकेनिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म होता है एक सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, कि किस टाइप के सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स रखे गए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ताकि प्रॉपरली चीजों को सिस्टमैटिकली फॉलो किया जा सके। तो मैं आपको बताऊं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर मेजरली दो टाइप के मैकेनिज्म्स होते हैं, वन इज योर इंटरनल मैकेनिज्म एंड वन इज योर एक्सटर्नल मैकेनिज्म। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है ये, बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं, इंटरनल मैकेनिज्म होता है कि वो सारी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल कंट्रोल में है और उसको बहुत ज्यादा क्लैरिटी से डिफाइन किया सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस टाइप का स्ट्रक्चर आपने डेवलप कर रखा है, क्या उसमें प्रॉपर ओवरसीइंग होती है मैनेजमेंट द्वारा, क्या आपने इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट्स एस्टैब्लिश कर रखी है जहां के अंदर इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं वो प्रॉपरली चेक्स एंड बैलेंसेस करते हैं रिगार्डिंग द अकाउंट्स, तो इन सारी चीजों के बारे में बात होगी। क्या वहां पे प्रॉपर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ओवरलैपिंग है जिसकी वजह से उनको क्लैरिटी नहीं हो पाती है कि किस डायरेक्टर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये आपकी इंटरनल मैकेनिज्म को डिफाइन करती है, और जितना ज्यादा स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर रोबोस्ट होगा, प्रॉपर मैकेनिज्म्स इन प्लेस होंगे, उतनी ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश हम कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो वेल लेड ऑफ हो। अगर बात करें एक्सटर्नल मैकेनिज्म के बारे में तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कि हमने बात करी कि बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े होते हैं, बट अगर आपने इनकी प्रॉपर नीड्स का ध्यान नहीं रखा, अगर आपने इनका प्रॉपर कंप्लायंस नहीं किया, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, अगर आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर काफी ज्यादा पेनल एक्शन भी लग सकता है और वो आपकी गुडविल भी खराब कर देगा, एज वेल एज जो भी आपके फ्यूचर स्टेक होल्डर्स हैं या जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनको भी पता चल जाएगा कि आप एथिकली काम नहीं करते हैं। सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपके एक्सटर्नल मैकेनिज्म है, दैट इज वेदर इट बी गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस, अगर आप एम्प्लॉयज को प्रॉपरली टाइमली बोनसेस नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर रेमुनरेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा स्ट्राइक्स पे भी जा सकते हैं, जो अगेन आपकी ब्रांड वैल्यू के लिए, आपकी गुडविल के लिए अच्छा नहीं होगा। सिमिलरली बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो कई बार ऑर्गेनाइजेशंस को लोन्स एंड एडवांसेस लेने पड़ते हैं फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो अगेन अगर आप इनकी टाइमली डिसबर्समेंट नहीं करते हैं, प्रॉपर डेट मैनेजमेंट आपने नहीं कर रखा है जहां पे आप प्रॉपरली टाइमली उनकी पेमेंट्स उन्हें वापस कर रहे हैं, तो अगेन आपकी गुडविल खराब हो जाएगी और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म आपने एस्टैब्लिश किया है वो काफी ज्यादा वीक पड़ जाएगा। सो अगेन ये दोनों मैकेनिज्म, वेदर इट बी इंटरनल और एक्सटर्नल, इनको प्रॉपरली लेड डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तभी आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म को बेटर और इंप्रूव कर पाएंगे। अब आगे बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो इतनी देर से हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे थे, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ज्यादा से ज्यादा बेटर और इंप्रूव करने की जरूरत है। तो उसमें क्या ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एक एक करके उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रोल एंड पावर्स ऑफ बोर्ड। सो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स के बारे में बात की गई है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इनॉर्मस पावर्स दी गई है विद रिगार्ड टू डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ ऑडिट, वेदर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही
डिस्कस करके आपस में लेते हैं विद फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर। अब अगर उनके प्रॉपर रोल्स डिफाइंड नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी है, या आप कह सकते हैं ओवरलैपिंग है, तो जो आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म है वो अच्छा नहीं होगा। बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि रोल्स प्रॉपरली डिफाइंड हो, ताकि हर डायरेक्टर, हर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभा सके। तो उसमें भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एक बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पावर्स, उनके पावर्स की क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, साथ साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी भी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। इसीलिए कई बार एक बोर्ड का चार्टर बनाया जाता है जिसके अंदर सारे डायरेक्टर्स का प्रॉपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर दी जाती है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करूं, लेजिस्लेशन। तो जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काफी ज्यादा रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंपनी हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 तो आपको बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप सिक्योरिटीज में डील करते हैं, शेयर्स में डील करते हैं, तो आपको सेबी एक्ट 1992 भी फॉलो करना पड़ेगा। सो अगर लॉज एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, उसमें एम्बिग्यूटी है किसी भी तरीके की, तो अगेन वो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रमोट नहीं करेगा। क्योंकि जब तक आपको लॉज एंड रेगुलेशंस की क्लैरिटी नहीं होगी, आप वायलेशन करते रहेंगे। सो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट एनवायरमेंट के। सो हमने एनवायरमेंटल टॉपिक में पढ़ा था, जो अपने बिजनेस एनवायरमेंट का टॉपिक था, कि एनवायरमेंट इज अ होलसम फैक्टर्स विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे काफी सारे अदर एस्पेक्ट्स होते हैं जो प्रॉपरली अगर नहीं टाइमली रखे गए, टाइमली प्लेस पे नहीं रखे गए, तो आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इफेक्ट हो सकती है। फॉर इंस्टेंस, एथिकल फ्रेमवर्क, अगर आपका जो फ्रेमवर्क है, जो मैकेनिज्म है, वो प्रॉपरली नहीं बिल्ट इन है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने प्रॉपर प्रोसेसेस नहीं बनाए, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, क्लियर एनाउंसिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिजनेस रिस्क असेसमेंट नहीं है, आपके पास राइट पीपल ऑन द राइट जॉब नहीं है, जो भी आपने रिक्रूटमेंट कर रखी है वो ज्यादा से ज्यादा रेफरेंसेस के फॉर्म में कर रखी है, जिसमें आपने फैमिली एंड रिलेटिव्स को रखा हुआ है, सो अगेन प्रॉपर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ हुआ है, जो आपका प्रॉपर एनवायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्रॉपर नहीं है, तो आप अच्छी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बोर्ड अपॉइंटमेंट की, जो कि बहुत ही क्रूशियल होता है। तो जैसे कि आपने देखा हो कि जो भी बोर्ड अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स हैं, उसके अंदर प्रॉपर स्किल सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट कराने बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं, जो 10-12 डायरेक्टर्स होते हैं, या 10-12 लोग कह लीजिए आप, जिनके ऊपर पूरे ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडेंट होता है। जिस टाइप की उनकी डिसीजन मेकिंग होगी, जिस टाइप की उनकी कॉम्पिटेंस होगी, उसकी बेसिस पे ही ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ डिपेंड करेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपॉइंटमेंट में बिल्कुल भी कैजुअल ना हो, प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो करें, ताकि जो मोस्ट कॉम्पिटेंट और बेस्ट पर्सन हैं, वही डायरेक्टर्स बन के आए। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बोर्ड इंडिपेंडेंस की। तो फेमस टाटा साइरस मिस्त्री केस आप किसने नहीं सुना होगा। सो अगर कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ प्रीवियस स्कैम्स में ऐसा हुआ है कि जो बोर्ड की इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा स्टेक पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बोर्ड में 10 से 12 डायरेक्टर्स तो हैं, बट सिर्फ 1 से 2 डायरेक्टर्स हैं जो सीईओ भी हैं, या आप कह सकते हैं प्रोमोटर डायरेक्टर हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन के मेन प्रोमोटर्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं प्रोमोटर से रिलेटेड हैं बहुत ज्यादा, वही लोग ऐसे हैं जो सारी की सारी डोमिनेंस करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो क्या आप कह सकते हैं कि जो बोर्ड इंडिपेंडेंस है? तो आंसर है नहीं, आप नहीं कह सकते। बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब यह होता है कि हर एक डायरेक्टर अपनी प्रॉपरली व्यू पॉइंट, जो भी उसका कंटेक्स्ट है, जो भी उसके रैशनल है, उसको प्रॉपरली पुट फोर्थ कर पाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने, ताकि रैशनली ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए डिस्कशन करके आप जो बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसको ले पाए और उसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करें। तो बोर्ड इंडिपेंडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बोर्ड इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ डोमिनेटेड है बाय 1 or 2 डायरेक्टर्स, तो आप अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमने एक एडवांटेज में पढ़ा था कि जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करती है, और इसका रीजन ये है कि जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसीजर्स हैं वो काफी ज्यादा इंफेसिस करते हैं कि आप प्रॉपर फोकास्टिंग करें, प्रॉपर इवेल्युएशन टेक्निक्स यूज करें, जिसमें आप रिस्क को मिटिगेट या फिर सबसे ज्यादा मिनिमाइज किस मेथड से कर सकते हैं वो मेथड को आप यूज करें। सो अगेन रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिस्क को कंट्रोल कर पाएंगे, मिटिगेट कर पाएंगे, या उसके ऑल्टरनेटिव डेवलप कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर पाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनिटरिंग बोर्ड परफॉर्मेंस।
अब जिस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लॉय इवैल्यूएशन होता है या फिर आप कह सकते हैं कि प्रमोशन के लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बोर्ड की परफॉर्मेंस का भी इवैल्यूएशन किया जाए। फॉर एग्जांपल सेल्स इम्प्लॉयज़ को अगर हमें इवैल्यूएट करना होता है कि क्या उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है पूरे टेन्योर में, तो हम उनके सेल्स टारगेट्स को देख लेते हैं। सिमिलरली अगर हमें ये देखना है कि बोर्ड जो डिसीजन मेकिंग ले रहा है वो कैसा ले रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ पैरामीटर्स एस्टैब्लिश हों, बी इट इन टर्म्स ऑफ द टारगेट्स गिवन टू देम। दैट इज हम ये देख सकते हैं कि अगर पहले मार्केट शेयर 10% था तो हैज इट इंक्रीज टू 12% और नॉट, और अगर नहीं हुआ है तो क्या उसके पीछे जस्टिफाइड रीजन है या नहीं है। इन पैरामीटर्स के बेसिस पे हम बोर्ड के डिसीजन मेकिंग को या बोर्ड की परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बोर्ड को प्रॉपरली इवैल्यूएट करते हैं तभी हम आने वाले समय में उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर बोर्ड डिफंक्ट हो गया है या आप कह सकते हैं उनकी स्किल सेट ऑब्सोलीट हो गई है तो नए अपॉइंटमेंट्स भी कर सकते हैं डायरेक्टर्स की पोजिशन पे। सो अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरी। तो मैं आपको बता दूं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉपिक, और ये इसलिए है क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरी से पास्ट ईयर में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। दो या तीन से चार ही थ्योरीज हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन पर्टिकुलर थ्योरीज को बिल्कुल अच्छे से समझ के जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एजेंसी थ्योरी। तो जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो एजेंट्स होते हैं किसके, शेयर होल्डर्स के। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आपको इस पर्टिकुलर थ्योरी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो यहाँ पे ये अजम्पशन ली गई है या आप कह सकते हैं ये थ्योरी ये प्रोपाउंड करती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं क्योंकि वो एजेंट्स होते हैं शेयर होल्डर्स के और उनका प्रॉपरली डायरेक्टली वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता है थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजंस होते हैं वो कई बार पर्सनल इंटरेस्ट को केटर करते हैं देन लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं एजेंसी थ्योरी की। और यहां पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो बहुत दूर दूर फैले हुए हैं, वो प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ 10 से 12 लोग अपॉइंट कर दिए जाते हैं एज एजेंट्स इन ऑर्डर टू टेक डिसीजन मेकिंग। और क्यों? क्योंकि मैन एक ग्रीडी एनिमल है और यहां पे जो अजम्पशन है वो ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट का ज्यादा ध्यान रखते हैं एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और आप कह सकते हैं शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। तो कई बार इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वजह से भी इस पर्टिकुलर थ्योरी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लगातार इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, लगातार प्रोविजंस लाए जा रहे हैं ताकि इस एजेंसी थ्योरी के बाद भी आप चीजों को बेटर तरीके से गवर्न कर पाए या फिर प्रॉपर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ गलती करते हैं, कुछ मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए भी उन्हें प्रॉपर पनिशमेंट दी जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, शेयर होल्डर थ्योरी। तो जैसे कि नाम ही बता रहा है आपको कि इस थ्योरी का सारा फोकस होने वाला है वो शेयर होल्डर पे होने वाला है। इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर थ्योरी ये कहती है कि जो भी आपके डिसीजंस होंगे या जो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीजन लेने चाहिए वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेने चाहिए और सिर्फ उनका भला देखना चाहिए या फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो सेंटर ऑफ फोकस है इस थ्योरी का वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स पे बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें स्टेक होल्डर थ्योरी। जैसे कि अगेन नाम बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं, बीट कस्टमर्स, इंप्लॉयज, सप्लायर्स, लोकल कम्युनिटी, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट। सो ये थ्योरी ये कहती है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलें, उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल जो इमेज है वो खराब हो जाती है। या फिर जैसे कि आप कहते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन चार एस्पेक्ट्स पे डिपेंडेंट है या फिर सारे स्टेक होल्डर्स पे डिपेंडेंट है, अगर एक भी स्टेक होल्डर प्रॉपरली वर्क नहीं करता, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, तो ओवरऑल जो बिजनेस एक्टिविटी है वो हैम्पर हो जाएगी या फिर आप कह सकते हैं खराब होने लगेगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सारे स्टेक होल्डर्स दैट इज ऑल स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखें और सिर्फ उनका फोकस शेयर होल्डर्स पे या स्टॉक होल्डर्स पे नहीं होना चाहिए। तो सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलने के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीवर्डशिप थ्योरी। इसके लिए सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है एंड दैट इज स्टीवर्ड। स्टीवर्ड का मतलब होता है अ पर्सन हु मैनेजेस अनदर्स प्रॉपर्टी और एस्टेट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एजेंसी एज वेल एज स्टीवर्डशिप थ्योरी के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो यहां पे मैं आपको बता दूं, एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि एजेंसी थ्योरी का कहीं ना कहीं एक नेगेटिव आउटलुक है, जहां पे वो ये सोचते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचते हैं एंड देन दे लुक आफ्टर द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। जबकि स्टीवर्डशिप थ्योरी है वो ये कहती है कि यहां पे जो डायरेक्टर्स हैं या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं कह सकते हैं आप, या पॉजिटिव माइंडसेट के, पॉजिटिव आउटलुक के हैं, और वो ये सोचते हैं कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट बढ़ेगा या फिर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होगी ऑटोमेटिकली उनकी पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ होने लगेगी और उनकी प्रॉपर सैलरी इनहेंस की जाने लगेगी। इसलिए वो बहुत ज्यादा अटमोस्ट केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने सारे डिसीजंस लेते हैं और सारी चीजों को बहुत ही टाइमली सिस्टमैटिक प्रोसीजर के हिसाब से फॉलो करते हैं। सो ये मेजर डिफरेंस है एजेंसी थ्योरी एज वेल एज स्टीवर्डशिप थ्योरी के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं की इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड एंड प्लेस बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कंटेन अंडर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिफाइन कर दिए हैं कि ये आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करने ही करने हैं या फिर इन एस्पेक्ट्स का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। तो एक बार जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ आप एक बार उसे गो थ्रू कर लीजिए या फिर रीड आउट कर लीजिए। एनुअल ऑपरेटिंग प्लान्स हो गए, बजट्स हो गए, लॉन्ग टर्म प्लान्स हो गए, ये सारी चीजें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखानी है। कैपिटल बजट दैट इज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बजट्स के बारे में बात हो गई, मैन पावर ओवरहेड बजट्स, ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होते हैं जो ओवर एंड अबव डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेट करते हैं उनके बारे में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रॉपर अप्रूवल चाहिए होता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, ऑपरेटिंग डिविजन्स और बिजनेस सेगमेंट्स, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स बनाए जाते हैं आफ्टर थ्री मंथ्स क्या वो प्रॉपरली स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं, जो डिविजन्स बांटे गए हैं दैट इज डिपार्टमेंट्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनको जो टारगेट्स दिए गए हैं क्या वो उसको मेट कर रहे हैं कि नहीं, इन सारी चीजों के बारे में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस करना पड़ता है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स हो गए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटरनल ऑडिट एक मैकेनिज्म है जहां पे आप इंटरनली चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं ये देखने के लिए कि कहीं आपके जो इंटरनल एम्प्लॉयज हैं वो तो डिसऑनेस्ट नहीं है, क्या वो थेफ्ट और में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो ये सारी एक्टिविटीज इंटरनल ऑडिट के अंदर आती है, इन सारी चीजों को भी प्रॉपरली देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। शोकाज, डिमांड, प्रोसिक्यूशन नोटिसेस, तो कई बार ड्यू टू सम वायलेशन ऑफ लॉ और टैक्स रिलेटेड लॉस आपको नोटिसेस आ जाते हैं, उनका भी टाइमली रिस्पॉन्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, अदरवाइज चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपने लोन ले रखे हैं, एडवांसेस ले रखे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, से उनसे भी प्रॉपरली उनकी पेमेंट करनी जरूरी है। फैटल और सीरियस एक्सीडेंट्स, अगर कुछ पॉल्यूशन की वजह से, कुछ प्रॉपर मशीनरी में इशू की वजह से अगर कुछ फैटल एक्सीडेंट हो गए हैं उसकी भी प्रॉपर जानकारी डायरेक्टर्स को होनी चाहिए ताकि कल को ऐसा ना हो कि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बढ़ जाए और उसके ऊपर काफी ज्यादा लेबर लॉस एप्लीकेबल हो जाए। सिमिलरली डिफॉल्ट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, जो हम डिपॉजिट्स करते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी भी प्रॉपर रिटर्न्स एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ जॉइंट वेंचर एंड कोलैबोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगेन, ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल पेमेंट टुवर्ड्स गुडविल, ब्रांड इक्विटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इनसे रिलेटेड जो भी पेमेंट्स होनी है विद रिगार्ड टू पेटेंट्स, कॉपीराइट एक्सेट्रा, इन सारी चीजों के बारे में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रॉपर अप्रूवल एज वेल एज प्रॉपर डिस्कशन जरूरी हो जाता है। रिक्रूटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, फॉर एग्जाम्पल आपको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट करना है या फिर आप कह सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा बड़े बड़े डिपार्टमेंटल हेड्स अपॉइंट करने हैं, तो उनके बारे में भी डायरेक्टर्स की प्रॉपर राय ली जाती है, वो प्रॉपरली डिस्कस करके सारे डायरेक्टर्स से इंडिपेंडेंटली तभी डिसीजन लेते हैं। लेबर प्रॉब्लम्स हो गए, क्वार्टरली डिटेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, इन सारी चीजों को बस आप एक एक बार गो थ्रू कर लीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज बनाई गई हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हैं या फिर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कमिटी है ऑडिट। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फंक्शंस ऑफ या फिर आर द फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी। तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है किसी भी एक्टिविटी की या फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इसलिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। ऑडिट, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है
तो वो ऑडिट कमिटी के अंदर ही आएगी। तो अगर आपको इन तीन वर्ड से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो आप ये मान के चल सकते हैं साथ साथ अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए कि ये ऑडिट कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही आएगा। सो इससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स हो गई या फिर रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ये सारी चीजें हो गई, रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर हो गया, रिव्यूइंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी की सारी ऑडिट कमिटी की ही मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आता है। और बहुत ज्यादा ये देखा गया है कि जो रेमुनरेशन का पार्ट है ऑडिटर्स का, उस पर खास करके ध्यान दिया जाता है। तो ये कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई ऑडिट कमेटी की। सिमिलरली कुछ और हैं जिनको आप बस रीड कर लीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं भी उसको ज्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूं। जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो गए, एक्सटर्नल ऑडिटर से और डिस्कशंस हो गए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो गए, इनको बस ब्रीफली आपको एक बार रीड कर लेना है एंड इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आगे चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी के बारे में हमें डिस्कस करना है और इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लास्ट टॉपिक भी है, दैट इज रेमुनरेशन कमिटी। तो जैसे कि पास्ट इयर्स में देखा गया कि जितने भी स्कैम्स एंड फ्रॉड्स होते हैं उसमें मेजरली रेमुनरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप किसी भी डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं बाय गिविंग मोर फीस या मोर रेमुनरेशन इन एनी ऑफ द फॉर्म, चाहे आपने उन्हें कैश के फॉर्म में दिया है या फिर काइंड के फॉर्म में दिया है, तो आप उनसे काफी ज्यादा चीजों को मैनिपुलेट करवा सकते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग करवा सकते हैं या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गड़बड़ घोटाले कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे ज्यादा ध्यान रेमुनरेशन कमिटी का हो, कि प्रॉपर रेमुनरेशन फिक्स किए गए हो बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेंस, प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो किया गया हो और कोई भी लॉज एंड रेगुलेशंस का भी वॉयलेशन ना हो। सो इन सारी चीजों के जो डिसीजन मेकिंग होती है वो रेमुनरेशन कमिटी करती है। एक बार इसकी कुछ चीजों को देख लेते हैं। देयर शुड बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए रेमुनरेशन कमिटी के अंदर, जिसके इनमें से सारे के सारे जो होंगे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे और जो चेयरमैन होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है, या फिर आप कह सकते हैं हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब कुछ इंप्लॉयज के फॉर्म में जो डायरेक्टर्स हायर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहलाते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं, जो पार्ट टाइम बेसिस पे होते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किए जाते हैं बट वो फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं होते कंपनी के, उन्हें हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की डेफिनेशन में अंडर द कंपनीज एक्ट, बट उसका मेजर जो समरी है या आप कह सकते हैं जो बेसिक्स या फिर फोकल पॉइंट है वो ये है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब उसकी कंपनी से कोई भी रिलेशन नहीं होते, नाइदर फाइनेंशियल नॉर सोशल, और किसी भी डायरेक्टर का कोई रिलेटिव या फिर आप कह सकते हैं कोई भी वेस्टेड फैमिली मेंबर नहीं हो सकता है। बिल्कुल इंडिपेंडेंस होती है उसकी कंपनी से, ताकि वो अपना फेयर एंड फेयर फ्री ओपिनियन या फिर आप कह सकते हैं बिल्कुल अनबायस्ड होकर अपने ओपिनियंस को प्रॉपरली रख पाए। तो ये 3 एस्पेक्ट्स आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि सारी की सारी जो रेमुनरेशन है विथ रिलेटिंग टू डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज बेनिफिट्स, स्टॉक ऑप्शंस, पेंशंस, इनको प्रॉपरली मॉनिटर करने की जो जिम्मेदारी है वो रेमुनरेशन कमिटी के ऊपर होती है। आगे चलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब क्योंकि कंपनीज एक्ट ने भी काफी ज्यादा प्रोविजंस बनाए हुए हैं विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं यहां पे कवर करूंगा। बहुत ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक में भी जाने की जरूरत नहीं है, ब्रीफली आपको आइडिया होना चाहिए कि इनमें से कौन सा टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेट करता है। तो एक बार देख लेते हैं, प्रोविजंस रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अभी हमने बात करी है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, इसलिए ये टॉपिक तो होगा ही पार्ट। वुमेन डायरेक्टर, अब मैं अपने स्टूडेंट्स को व्यूअर्स को बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन आया है जिसके अंदर कुछ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज के लिए 1 वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी हो गया है ऑन देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ये इसलिए किया गया है ताकि जो प्रॉपर व्यू पॉइंट है, जो डाइवर्सिटी रिलेटेड बेनिफिट्स हैं वो भी कंपनीज को मिल पाए, ऑर्गेनाइजेशंस को मिल पाए, और वो एक होलिस्टिक ओपिनियन देते हुए, होलिस्टिक व्यू देते हुए आगे बढ़कर ऑर्गेनाइजेशनल की नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इनहांस डिस्क्लोजर विद रिगार्ड टू बोर्ड रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, मैनेजरियल रेमुनरेशन, रिस्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड प्रोसीजर्स और प्रॉपर प्रोविजंस बनाए गए हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इनहांस करते हैं। तो आपको बस ब्रीफली पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से एस्पेक्ट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेट करते हैं।
Next, corporate social responsibility, shareholding pattern, public money, etc. So, corporate social responsibility से again एक नया provision आया है, जहां पे 2% of the past average net profits of 3 years को account for किया जाएगा for certain classes of companies, और वो social outreach या फिर आप कह सकते हैं, social activities में अपने इस fund को utilize कर सकते हैं. So, again, ये एक important provision है. इसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा detail में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन-कौन से aspects corporate governance से relate करते हैं. So, I think this particular video session would be very sufficient for you in order to cover the topic of corporate governance. बहुत ज़्यादा time मत invest करिएगा, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपने सारी PDF को कवर कर लिया है तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है. उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, जिसमें हमने ऑलरेडी अपने क्रैश कोर्स के अंदर 100 प्लस क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस दे रखे हैं फॉर ईच सब्जेक्ट, वो आपके लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट हो जाएंगे. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज एंड कंसर्न्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. If you have not subscribed to our channel, do subscribe our channel Anuj Jindal by clicking on the bell icon. ऊपर दिए गए आई लिंक में भी आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आप हमारे चैनल को easy way में सब्सक्राइब कर सकें. Till then, thank you and have a nice day.